करता रहा, वो अपनी उसे यही कुटाने की कोशिश करता रहा। हफ्तों तक मेरी नाभि सूजी रही थी और पता है मेरी माँ को क्या लगा? मेरी माँ को लगा मुझे दोबारा से माता आ गई। नहीं नहीं, मैंने ये कहानी अपने आदमी को नहीं सुनाई, यही नाभि वाली। हो सकता है 10 साल बाद भी इसी बात पर झगड़ लेता। अपना मुंह बंद कर, वो सब क्या था, नाभि वाला किस्सा क्या था? मैंने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। एक बार चर्च गई थी, वहां प्रीस्ट को बताया था कन्फेशन में, वो बोला दोबारा मत करना। फिर मैं बड़ी हो गई, ना स्कूल में ना कॉलेज में, फिर मुझे ऐसे कोई प्रेम प्रेम कैसे एक्सप्रेस का अनुभव नहीं हुआ। और वो जो नाभि वाला किस्सा था ना, उससे भी ज्यादा कुछ निकला बिकला नहीं। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी। मैं उसको जानती भी नहीं थी, मेरी सहेलियां जितना जानती थी मुझे कच्चा पक्का समझाती। जिस दिन शादी इनके घर आई, पहली रात को मैं बहुत खुश थी, मैं अपनी पूरी आवाज में गा रही थी। नहीं नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं अंदर ही अंदर गा रही थी। मैं हर चीज अंदर ही अंदर करती, मैं गुनगुना रही थी। जान को सहला, मतलब भाई वो जो तुम्हारा सेंसिटिव हिस्सा है ना, ये कहते
रेस्ट का लाइफ का, ना ये ना वो, ना कोई गर्माहट, ना कोई पागलपन, ना कोई बगलाना, ना कोई उत्तेजना, ना किसी तरह की कोई कामुकता, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे अपने आदमी के साथ कभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने चिंता करना, परेशान होना, सोचना छोड़ दी। मुझे लगा सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा, सभी को ऐसा ही लगता होगा। उस लड़के से मुलाकात तक मुझे ऐसा ही लगता था। हाँ, मैं बताती हूँ क्या हुआ।